वेल गाइस, उस पार्ट में नो वे होम से रिलेटेड नए विलन्स कंफर्म हो चुके हैं, डॉक्टर स्ट्रेंज कंफर्म हो चुके हैं और एक नया अपग्रेडेड सूट जो है स्पाइडरमैन नो वे होम से रिलेटेड पीटर पार्कर का रिवील हो चुका है लेगो सेट्स के थ्रू। तो इन सारी चीज़ों को हम यहां पे कवर करने वाले हैं, किस तरीके से एक नया विलन जो है एक नया ट्विस्ट ला सकता है और जो एग्जिस्टिंग कैरेक्टर है किस तरीके से वो बड़ा ट्विस्ट ला सकता है स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी में। सो गाइस, सबसे पहले अगर हम यहां पे इस इमेज को देखें जहां पे हमें डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडरमैन एक फाइट में नजर आते हैं और यहां पे हमें पता है कि यार कहीं ना कहीं जो मल्टीवर्स वाला एंगल होने वाला है उसके रिलेटेड यहां पे डॉक्टर स्ट्रेंज जो है अगर वो इस मूवी में आते हैं तो वो मल्टीवर्स या फिर हमारे तीनों स्पाइडरमैन को एक साथ लाने में जो है मदद कर सकते हैं। लेकिन यहां पे हमें तीन बड़ी चीजें नजर आती है, एक तो डॉक्टर स्ट्रेंज का होना है ही, दूसरा यहां पे स्पाइडरमैन का नया सूट जिसमें एक गोल्डन स्पाइडी लोगो जो है वो स्प्रेडेड आउट हमें नजर आ रहा है जैसा कि आप अपने इस इमेज में देख सकते हैं अभी। लेकिन गाइज, ये सूट जो है फिर से एक नैनो टेक्नोलॉजी वाला बेस्ड सूट होने वाला है। लेकिन एक और चीज नोट करने वाली जो इस पिक्चर में है वो यहां पे है, एक स्कॉर्पियन जैसा दिखने वाला वेपन जो कि ग्रीन कलर का है, जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसके ऊपर यहां पे कहीं ना कहीं ये जो लेगो वाला स्पाइडरमैन है अपना जो वेब है वो फेंक रहा है। तो कहीं ना कहीं जो स्कॉर्पियन है उसका रिलेशन एनिमेटेड सीरीज में भी यहाँ पे रह चुका है स्पाइडरमैन के साथ, वो एक बहुत ही बड़ा विलन रह चुका है। सिनिस्टर सिक्स के साथ इसके बहुत बड़े कनेक्शंस थे और आप सरप्राइज रह जाओगे ये जानकर कि जो जिम जोना जॉनसन है यानी कि जो न्यूज़ रिपोर्टर मामू भैया है जिसने यहाँ पे पीटर पार्कर की आइडेंटिटी को रिवील किया था फार फ्रॉम होम मूवी में, वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल थे कॉमिक में यहाँ पे मैकडोनल्ड को, जेम्स मैकडोनल्ड को इस स्कॉर्पियन वाले अवतार में लाने के लिए, यानी कि उन्होंने ही जो फाइनेंस किया था एक्सपेरिमेंट के लिए, जो स्कॉर्पियन के विलन का एक्सपेरिमेंट था उन्होंने ही फाइनेंस किया था। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर सेल्फ सेम ओरिजिन जो है कॉमिक से उठाकर यहाँ पे दिखाते हैं कि किस तरीके से जो खिलाफ है स्पाइडरमैन के जिम जोना जॉनसन वो बेकार ही नहीं है बल्कि उनके उसके पीछे भी एक अल्टीरियर मोटिव है, तो कहीं ना कहीं स्कॉर्पियन का जो ऑरिजिन है उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन गाइज, एक और चीज़ हमारे सामने आई है और वो यहाँ पे है स्पाइडरमैन नो वे होम की जो पिछली मूवीज के विलन है जैसे वल्चर हो गए या फिर मिस्टीरियो हो गए या फिर अगर हम बात करें निक फ्यूरी की, हालांकि वो विलन नहीं थे लेकिन उनको भी यहाँ पे इन लेगो सेट्स में फीचर किया गया है और कहा जा रहा है कि ये वाले विलन्स भी जो है वो इस मूवी में हो सकते हैं। सो गाइस, यार ये रूमर्स जो है वो बेसलेस बार बार नहीं हो सकती है और जो ही यहाँ पे स्पाइडरमैन नो वे होम की रिलीज डेट जो है करीब आती जा रही है उतना ही रूमर्स अब स्ट्रांग बनते जा रहे हैं कि हमें वल्चर या फिर मिस्टीरियो की अपीयरेंस भी इन मूवीज में देखने को मिल सकती है। लेकिन लेगो सेट्स ने ये भी साफ किया है कि जो हमें इन लेगो सेट्स में कैरेक्टर दिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं पिछले मूवी से भी लिए गए हैं, लेकिन यानी कि ये जो हमारे सामने अभी इमेज आ रही है मिस्टीरियो की या फिर निक फ्यूरी की या फिर वल्चर की, ये कहीं ना कहीं पिछली वाली मूवी से भी हो सकती है। लेकिन गाइस, एक और चीज़ जो हमें यहाँ पे मजबूर कर देती है ये सोचने पर कि स्कॉर्पियन के अलावा यहाँ पे वल्चर भी अपना रोल जो है वो रिप्राइज कर सकते हैं या फिर मिस्टीरियो भी अपना रोल रिप्राइज कर सकते हैं, वो यहाँ पे ये है कि स्पाइडरमैन का एक और नया सूट जो है हमें यहाँ पे एक और लेगो सेट में दिखता है जो कि यहाँ पे एक ब्लैक कलर का सूट है और जहाँ पे वेबलिंग जो है स्पाइडरमैन की वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हमें नज़र आ रही है। लेकिन साथ ही साथ में यहाँ पे हमें एक चॉपर सा नज़र आता है, एक सिक्स्ड क्वाडकॉप्टर या हमें नज़र आता है जो कि गोल्डन ब्लैक कलर का है। कहीं ना कहीं ये भी शायद जो है वल्चर से रिलेटेड है या फिर स्कॉर्पियो से रिलेटेड हो सकता है या फिर डॉक्टर ऑक्टोपस से रिलेटेड हो सकता है और इसी के नीचे हमें नज़र आता है ग्रीन कलर के वल्चर विंग्स जो कि पिछली मूवी से यानी कि स्पाइडरमैन होम कमिंग से लिए गए हैं। लेकिन यहाँ पे हमें वल्चर जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट नज़र आ रहे हैं, उनके विंग्स जो है कम्प्लीटली शायद थोड़े बहुत से अपग्रेडेड लग रहे हैं लेगो से टॉयज के हिसाब से। तो गाइज, आपका इन सारी चीज़ों के बारे में क्या सोचना है? और हाँ, जैसे कि हम मल्टीवर्स के एंगल को बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से यहाँ पे ये मूवी जो है मल्टीवर्स के साथ डील करने वाली है और लोकी के एपिसोड जो है वो कहीं ना कहीं स्पाइडरमैन नो वे होम की तरफ ही लीड कर रहे हैं हमें। सो गाइज, आपका इन सारे लेगो सेट्स के बारे में क्या सोचना है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको ये स्पाइडरमैन की नई अपडेट कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बी मार्वेलस।